तो मेरे दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, मैं एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मुझे काम मिला था पोचिंग की मेस स्क्वाड हाउस को कलर करने का। मैं सुबह सुबह जल्दी काम पे जा रहा था और जैसे कि ठंड का मौसम था, पूरी हवा में धुआं ही धुआं था। मुझे रास्ता साफ साफ दिख नहीं रहा था, फिर भी मैं गाड़ी चला रहा था। और जैसे ही मैं आगे जाने लगा तो मुझे थोड़ा मैं रास्ता भटक गया और जैसे तैसे करके मैं फिर से रास्ते पर आ गया। और जैसे ही मैं आगे जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक घर मिला। उसके पास से गुजर ही रहा था कि मेरे ऊपर किसी ने गोली चलाई। भैया, उस घर में आतंकवादी छुपा था। तो मैं बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया, तो मैं यहाँ पे गाड़ी रोका। तभी मैंने देखा यहाँ पे एक जहरीला सांप रास्ता भटक गया है। यह सांप किसी को काट ना दे, इसके लिए मैंने उस सांप को मार दिया, मजबूरी में मारना पड़ा। तो बाद में आपको जैसे पता है कि मैं जख्मी था, मैं यहाँ पे पट्टी लगाने लगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जख्मी था। तो उसने बहुत बड़ी गलती की थी, उस आतंकवादी ने मेरे ऊपर गोली चलाई। तो बाद में मैंने देखा कि मेरे तरफ एक गाड़ी बहुत ही तेज़ी से आ रही है। जैसे ही वो मेरी तरफ आया, जिस रफ्तार से आया था उसी रफ्तार से मैंने उसे वापस लौटे भेज दिया। तो उसने गलती किया था, उसकी तो सज़ा उसको मिल गई। तो वही मैं हमेशा बोलता हूँ, पायथन से लोगे पंगा तो पायथन करेगा दंग। तो मैंने मेरी गाड़ी उठाई और मैं मेरे रास्ते पर चल पड़ा।